वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स देखो कंसिस्टेंसी की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट ट्वेंटी वीडियोस तो डिलीवर कर ही दूंगी मैं दो भी नहीं कर पा रही सही से बहुत सारा काम सोचा भी नहीं था कि इतना सारा काम होने वाला है बट फिर भी अभी हम यूनिट थ्री पर आ चुके हैं आई गेस थ्री टू फोर्थ नहीं सॉरी फोर टू फाइव वीडियोज़ में ये पूरी बुक खत्म होने वाली है देन एक बुक है जिसको मैंने सोचा है कि एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते हैं क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है और मैं इतना बहुत बिजी हूँ अभी आई थिंक मीटिंग है फिर उसके बाद भी इतना मार्केटिंग वगैरह करनी है तो बहुत सारा काम है अभी फ़िलहाल तो तो अभी बस जल्दी जल्दी डिलीवर करना है जिस तरह से तो आज हम यूनिट थ्री पर हैं एंड जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर उन्हें यह जानना है कि मैंने क्या वक्त दिया तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो देख सकते हैं अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा प्लीज़ ठीक है तो आज हमारे पास तीन टॉपिक इंटरपर्सनल बिहेवियर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और लीडरशिप स्टाइल्स बेसिकली क्या है कि लीडरशिप uh, uh, थोड़ा थोड़ा मैं लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुकी हूँ तो ओवरव्यू दूंगी और स्टाइल और थ्योरीज पढ़ाऊंगी जो कि नया है आपके लिए और बेसिकली वही आने वाला है एग्जाम में आई डोंट थिंक सो कि इसकी थ्योरी ज़्यादा आएगी बा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरीज हैं आई गेस इट्स अप्रॉक्स मोर देन एटीन या एटीन के आसपास बाकी तीन स्टाइल्स हैं तो वैसे तो ट्वेल्थ का पढ़ा हुआ टॉपिक है बट स्टिल वील रिकॉल इट तो अभी हम बात करते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर की फिर से रिकॉल कर लो यूनिट वन में हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा था यूनिट टू में इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ा था यूनिट थ्री में पहला टॉपिक है इंटरपर्सनल बिहेवियर एक कंपनी का बिहेवियर पढ़ लिया उस कंपनी के पर्टिकुलर इम्प्लॉय का बिहेवियर पढ़ लिया अब दो इम्प्लॉयीज़ के बीच में कैसा कनेक्शन है क्या बिहेवियर है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर इंटरपर्सनल बिहेवियर इज़ अ प्रोसेस और अ सेटिंग इन विच एनी टू पर्सन इंटरैक्ट विथ ईच अदर कोई भी ऐसा सिस्टम प्रोसेस सेटिंग कुछ भी जिसके थ्रू कोई दो लोग आपस में इंटरेक्ट करें बात करें उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर तो ये बहुत छोटा सा है लाइक इसके तीन ही नेचर हैं यूनिवर्सली रिक्वायर्ड होता है बट ऑब्वियसली हर किसी को एक दूसरे से बात करने की जरूरत होती है सेल्फ फुलफिलिंग होता है ठीक है एंड देन द थर्ड थिंग विच इज़ इट की समटाइम्स क्या इट्स ऑलवेज साइकोलॉजिकल सेल्फ फुलफिलिंग नीड्स फुलफिल करता है हमें रिलेशन बिल्ड करने की नीड क्यों होती है क्योंकि वो हमारी साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड होती है ठीक है एंड देन वी हैव ट्रांजैक्शनल एनालिसिस टी एम एरिक बर्ने ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था इट इज़ अ सोशो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि किसी भी दो इंसान के बीच में कोई कॉन्वर्जेशन है कोई भी रिलेशनशिप है इम्प्लॉई एम्प्लॉयर की मदर फादर की व्हाट्सो एवर इट इज ठीक है उसको और अच्छे से इम्प्रूव करने का या फिर उसको स्ट्रेंथन करने का जो तरीका है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का तरीका है उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यहाँ पे ट्रांजैक्शन से मतलब है दो लोगों के बीच में बातों का ट्रांजैक्शन कॉन्वर्जेसन का ट्रांजैक्शन तो उस ट्रांजैक्शन को हम कितना अच्छा कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को समझने की टेक्निक है ये इसके नेचर में इट इज़ अ टेक्निक ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है बट ऑब्वियसली बिहेवियर को फोरकास्ट करने में हेल्प करती है ठीक है इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको बिहेवियरल स्टडी भी करनी है सोशल साइकोलॉजी भी समझनी है और इससे आपके डेवलपमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट आपकी आपके बिहेवियर की रिलेशन की हर चीज़ की डेवलपमेंट होगी ठीक है तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट देन अगर बात करें इसके एडवांटेजेस में तो बट ऑब्वियसली अगर आप किसी को समझ रहे हैं आप अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अच्छी कर, अच्छी कर रहे हैं तो सिमिलरली आपका वहाँ पे जब रिलेशन अच्छा बिल्ड होगा स्ट्रेंथन होगा तो ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाएगी जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस लीडरशिप की इफेक्टिवनेस किसी भी चेंज को अडॉप्ट कर लेना ईजी हो जाएगा इंस्पायर करना ईजी होगा मैनेजमेंट ईजी हो, हो जाएगी तो दीज आर सब एडवांटेजेस जब बात करते हैं डिसएडवांटेज की तो बहुत से थ्योरिस्ट का ये भी मानना है कि जो ये कॉन्सेप्ट एरिक बर्ने ने किया है शुरू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का ये बेसिकली अजम्पन पे बेस्ड है सब्जेक्टिव ज़्यादा है मतलब इसकी कोई साइंटिफिक प्रूविंग नहीं है वो बट ऑबियस चीज़ है किसी भी इंसान के बिहेवियर की कोई साइंटिफिक प्रूविंग नहीं होती है वो कैसे बैकग्राउंड में पला बढ़ा है कहाँ नर्चर हुआ है क्या उसकी सोसाइटी है क्या साइकोलॉजी है इन सब की कोई साइंटिफिक प्रूविंग नहीं होती है, और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं ये प्रोसेस तो ये कुछ डिसएडवाटेजेस थे इसके देन मूविंग ऑन टू लीडरशिप स्टाइल्स लीडरशिप स्टाइल्स बेसिकली हमारे पास तीन टाइप की हैं ऑटोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव फ्री ने ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ी थी सेम चीज़ है ऑटोक्रेटिक मतलब डिकटेटरशिप है ना जिसमें हम करते हैं तानाशाही बट द हेयर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सॉरी बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ कि ऑटोक्रेटिक में भी दो टाइप है बेनीवेलेंट ऑटोक्रेटिक और मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक बेनीविलेंट मतलब वहाँ पर डिक्टेटरशिप तो वो चला रहे हैं बट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक हिस्ट्री में ऐसे भी बहुत से राजा हैं जिन्होंने चलाई डिक्टेटरशिप ही है पर जो भी फैसले लिए हैं हम अपनी प्रजा के हित में लिए हैं ठीक है ठीके? तो दैट इज वॉट बेनीवेलेंट ऑटोक्रेटिव मतलब पॉजिटिव फॉर्म में डिक्टेटरशिप को चलाना ठीक है आप इतने कैपेबल हो इतने इंस्पायरिंग हो इतना आपके अंदर आईक्यू है ईक्यू है कि आप अगर अकेले भी डिसीजन ले रहे हो तो आपके एम्प्लॉयज़ या आपके कंसर्न में जो भी लोग हैं ग्रुप में या जहाँ भी आप उनके भले के लिए डिसीजन ले लोगे आपका डिसीजन सही रहेगा तो दैट इज़ बेनिवेलेंट ऑटोक्रेटिव दैन द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज मैनिपलेटिव ऑटोक्रेटिक इसका मतलब यह है कि आप लोगों को फील करा रहे हो कि आप उन्हें अपने डिसीजन में इन्वॉल्व कर रहे हो पर ऐसा होता नहीं है एंड डिसीजन आपका खुद का ही होता है जो आप पहले से फिक्स कर चुके होते हैं कि मुझे डिसीजन यही लेना है मैं दूसरों की राय ले लूँ फिर उनको कैसे मैनिपुलेट करूँ कि यह डिसीजन ऐसे सही होगा ठीक है तो दैट इज़ मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक अब वो वहाँ होता है जहाँ पर अपने एम्प्लॉज़ ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रजा का हित छोड़ के राजा अपना खुद का हित देखे तो दैट इज़ मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ठीक फिर सेकेंड हमारे पास है पार्टिसिपेटिव पार्टिसिपेटिव इज बेसिकली समथिंग समथिंग रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक जहाँ पे हमारे ग्रुप में हम जिस भी ग्रुप को लीड कर रहे हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं हम किसी के भी लीडर हैं अपने फॉलोअर्स की अपने एम्प्लॉयज़ की अपने ग्रुप मेंबर्स की बातों को पॉइंट ऑफ व्यूज को समझते सुनते और कंसिडर करते हैं और हम एक्चुअल में उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं मैनिपुलेटिवली नहीं एक्चुअल में इन्वॉल्व करते हैं ठीक है देन वी हैव फ्री रेन फ्री रेन को लेजे फायर भी बोलते हैं विच मीन्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ लीनियंसी मतलब वहाँ पे इस लीडरशिप स्टाइल को बेसिकली uh, बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं और जहाँ करते हैं वहाँ पे ये तभी हम कह सकते हैं इफेक्टिव होती है जब आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं चाहे पाँच हो दस हो पंद्रह हो कितने भी लोग हो जिनको आप लीड कर रहे हैं उन सब में कैपेबिलिटीज स्किल्स और जितनी भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन है इमोशनल क्वेश्चन कुछ भी सारी जितनी भी आई थिंक एक स्किल सेट होता है ना लीडर के अंदर वो सब आपके ग्रुप मेंबर्स में भी है तभी ये लीडरशिप इफेक्टिव है तब आप जो लीडर होंगे वो बेसिकली uh, काम करेंगे एक्सटर्नल जो इन्वामेंट है उससे कनेक्ट करने का कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का वगैरह वगैरह बाकी आपके ग्रुप में हर एक मेंबर खुद से डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होगा तभी आप इस स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं तो इससे सिंपल सी चीज़ एक ये निकल के आती है कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल हो वो स्टैगनेंट नहीं होती जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है अगर लीडर अच्छा है तो वो अपनी स्टाइल को हमेशा चेंज करता रहेगा जहाँ पे उसे लगता है कि मुझे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की ज़रूरत है वो पार्टिसिपेटिव होगा जहाँ पर उसे लगता है कि मुझे अपनी बात ही मनवानी है क्योंकि लोग गलत सोच रहे हैं और मैं सही लेकर जाऊँगा तो वहाँ पर वो ऑटोक्रेटिक हो सकता है अदरवाइज़ फ्री रेड तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप कौन से स्टाइल को अपनाते हैं ये तीन बहुत वाइडली यूज स्टाइल्स हैं देन वी हैव थ्योरीज तो देखो थ्योरी में मैं ट्रेड थ्योरी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ क्योंकि ट्रेड थ्योरी इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा रिलेटेड है बाकी हमारे पास बिहेवियल थ्योरी भी है कंटिजेंसी सिचुएशनल थ्योरीज भी हैं एंड देन वी हैव कंटेम्प्रेरी थ्योरीज एज वेट तो एक लूप है मैं समझा देती हूँ बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए अभी यहाँ पर ट्रेड थ्योरी ही पढ़ेंगे सिर्फ ट्रेड थ्योरी में क्या था कि ट्रेड का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स स्किल सेट्स तो ट्रेड थ्योरी में दो थ्योरीज हैं मोस्ट पॉपुलर वो यही बताती हैं कि एक लीडर में कितनी सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो अच्छा लीडर कहलाए ठीक बेसिकली यही दो हैं दोनों के नाम यहाँ पर लिखें अब इसमें इन लोगों ने विजन मिशन इंटेलिजेंट क्वेश्चन इमोशनल क्वेश्चन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस फिजिकल अपियरेंस एंड Uh, क्या बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर हर एक चीज़ इन्वॉल्व कर रखी है कि विजनरी भी होना चाहिए मिशनरी भी होना चाहिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस के लेवल इंस्पिरेशनल भी होना चाहिए ब्रेन स्ट्रामर भी होना चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर भी होना चाहिए तो इतनी सारी ट्रेट्स एक ही इंसान के अंदर हों ये पॉसिबल नहीं एंड ऐसी हिस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स हैं जिनमें ये सारी ट्रेट्स सारे फीचर्स नहीं थे पर वो तब भी बहुत अच्छे लीडर साबित हुए तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पे लगाया गया जिसके बाद आगे चल के बिहेवियरल थ्योरी बनी तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड स्टेट्यू टू मी और हाँ जिसने बुक्स नहीं खरीदी वो प्लीज़ ख़रीद लेना सब्सक्राइब का घंटी बजाया कि नहीं बजाया